हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द वीडियो लेसन सीरीज वे आर वे डिस्कसिंग ऑर्गनाइजेशनल कल्चर और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट मॉडल्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट ऑफ मॉडल्स और इसमें हम और आगे पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में तो ये ऑर्गनाइजेशनल थ्योरी का टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइट माई नेम इज़ आशी ससदेव एंड लेटस बिगिन सो ऑल द डिफरेंट मॉडल्स डैट वी हैव टू रीड इन ऑर्गनाइजेशनल कल्चर आर रिसो मॉडल आइजबर्ग एडगर एडगरशीन ओके हैंडीज कल्चरल टाइपोलॉजी सो दीज फोर मॉडल्स बेसिकली वी हैव ऑलरेडी रेड ना टूडे वॉट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज द कल्चरल वेब बाय जॉनसन एंड शोल्स राइट कल्चरल वेब बाय जॉनसन एंड शोल्स ओके सो इन द लास्ट वीडियो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि ये जो पहले के तीन मॉडल हैं सो दे वर टेलिंग अस बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स आर आर प्रेजेंट ओके दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ओके ये आपको समझना चाहिए इसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके बेसिस पे हम उनके उसके कल्चर को समझ सकते हैं उसके कल्चर को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो लास्ट के तीन जो मॉडल्स हैं ये थोड़े अलग तरीके से हमारे को पढ़ना है और ये डिफ्रेंसीेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इनको याद करें तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाएं हैंडीज कल्चर टाइपोलॉजी में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ओके और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल वेब में यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पर इसको आप इस जो पहले के तीन मॉडल्स हैं इनसे पार्शियली रिलेट करेंगे पार्शियली पार्शियली इनसे रिलेट करेंगे प्लस इसमें नई चीज़ एक हम ऐड करके और समझेंगे इसको राइट सो लेट अस लुक एट दिस मॉडल कल्चरल वेब बाय जॉनसन एंड स्कोल्स जॉनसन एंड शोल्स ठीक है अब इसको कुछ भी बोले आप प्रॉपर नाउन है फर्क नहीं पड़ता राइट right. <coughs> तो इन्होंने क्या कहा कि देर आर सिक्स परस्पेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है उसके छह परस्पेक्टिव्स होते हैं छह बिंदु होते हैं एंड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव है नेगेटिव है ठीक है वो उसके लिए फायदेमंद है नुकसानदायक है ठीक है वो रिजिड है फ्लेक्सिबल है कैसा है अच्छा है बुरा है स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ये इन छह बिंदुओं पर निर्भर करता है राइट तो ये इन्होंने जो मॉडल बनाया इन्होंने कहा कि हमारा मॉडल जो है एक डायग्नोस्टिक टूल है क्या है डायग्नोस्टिक टूल ठीक है तो जब हमने रिसो मॉडल पढ़ा था जब हमने एडगर शीन मॉडल पढ़ा था जब हमने आइसबर्ग एनोलॉजी पढ़ी थी तब हमने ऑर्गनाइजेशन कल्चर के कुछ एरियाज़ को देखा था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमें स्टडी करना है तो कुछ फैक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन्फ्लुन्शल जो पॉइंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा राइट right. जो इन्फ्लुएंशियल एरियाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं उनको देखना पड़ेगा तो ये भी वही चीजें हैं लेकिन इन्होंने उसे ऐसे समझाया कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि वेदर दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज पॉजिटिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज नेगेटिव वेदर इट इज डिमांडिंग वेदर इट इज कमांडिंग वेदर इट इज रिजिड वेदर इट इज नॉट रिजिड फ्लेक्सिबल व इट इज सो यू कैन

जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दीज दिस मॉडल इट फॉर्म्स अ डायग्नोस्टिक टूल इट फॉर्म्स अ व्हाट डायग्नोस्टिक टूल टू स्टेट दैट हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज राइट ठीक है बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो कंफ्यूज मत होना ध्यान से सुनोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी राइट right? ओके okay. तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है इसके अंदर स्टोरीज का हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्टोरीज होती हैं ठीक है कि कुछ पास्ट इवेंट्स होती हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्ट्री बनाती हैं एक स्टोरी बनाती हैं ओके सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन टेल अदर्स कि हम यहां तक कैसे पहुंचे उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनकी कुछ स्ट्रगल स्टोरीज होती हैं राइट हाउ पीपल रिकॉग्नाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जानते हैं कोई पास्ट इवेंट्स होती हैं अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्ले करना होता है कि वो किन सब चीजों को इमोर्टलाइज कर देता है मतलब अमर कर देता है अमर अमर कर देगा अपनी कहानियों में कौन सी चीजें उसके बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बन जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा हमारी पुरानी स्टोरीज हमारी कहानियों के बेसिस पे हमारी जो आगे की जिंदगी है कोई व्यक्ति मान लो कभी वो जिंदगी में फेल हो गया और उसने उस फेलियर को अपने दिल पे बिठा करके रख लिया तो वो आने वाली जो उसकी जिंदगी होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन फेलियर से स्ट्रगल करती हुई और फिर सक्सेसफुल हुई और उसने उस स्ट्रगल से बहुत चीज़ें इंप्रूव कर ली बहुत चीज़ें सीखीं और उसके मैनेजर्स ने उसके जो टॉप लेवल के जो सीनियर पर्सनल थे उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों को हमें आने वाली जनरेशंस को ट्रांसफर करना है उन्होंने उसको स्टोरी की तरह रखा केस स्टडीज की तरह रखा और इमोटेलाइज कर दिया उन लर्निंग्स को उन बातों को कि आने वाले समय में अगर जो कठिनाई हमें पहले आई थी अगर वही सेम कठिनाई आ जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी कठिनाई से जल्दी से बाहर निकल जाए और हमारा नुकसान कम हो राइट तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इंपैक्ट कर सकता है सेकेंड होता है सिंबल्स सो विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इसमें लोगोस ड्रेस कोड एटसेट्रा ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है सो दीज आर द विजिबल लाइन्स ऑफ कमांड ठीक है कौन सी है कौन फंक्शनल लेवल मैनेजर है ठीक है कौन उसके अंडर में सब है कौन फोरमैन है कौन वर्कर है किस तरीके से काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बटा हुआ है एक तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती है उसके बाद अनरिटन लाइंस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ठीक है, टीम्स एंड ग्रुप्स ठीक है तो एक तो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरा हर पर्सन की एक अपनी इंफ्लुएंशियल एरिया होता है जिसको हम पावर बोलते हैं राइट पावर एंड इंफ्लुएंस बोलते हैं तो वो एरिया भी जो है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अनरिटन लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो भी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है और फ्लो ऑफ पावर को कहीं ना कहीं चैनलाइज करता है राइट right? सो so ये दोनों चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं देन पावर स्ट्रक्चर ओके सो व्हाट इज दिस सोर्स ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग कैसे होती है जो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को इसको हम कहते हैं क्या पावर स्ट्रक्चर क्या कहते हैं पावर स्ट्रक्चर नीचे के पॉइंट शायद आपको दिखेंगे नहीं आई विल हाइड माई कैमरा एंड देन यू विल एबल टू सी दॉन्ट्स ओके सो इसके बाद है कंट्रोल सिस्टम कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के कंट्रोल हैं कंट्रोल्स आर ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट दी देर आर फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्वालिटी कंट्रोल्स ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के कामों की क्वालिटी है वो मेन्टेन रहे ठीक है देर कैन बी रिवॉर्ड्स ओके हु डिसाइड्स दीज रिवॉर्ड ये रिवॉर्ड कौन डिसाइड करेगा वॉट इज द बेसिस ऑन विच सच रिड आर डिसाइडेड ओके सो दिस इज द कंट्रोल सिस्टम इट ऑल्सो इम्पैक्ट द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन राइट उसके बाद है रिचुअल्स एंड रूटीन ये डेली के बिजनेस हैबिट्स हैं ठीक है द बिहेवियल पैटर्नस

और ये स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझने में हमारी मदद करते हैं क्योंकि कल्चरल वेब जो है वो एक डायग्नोस्टिक टूल है कल्चरल वेब जो है वो क्या है एक डायग्नोस्टिक टूल है जॉनसन एंड स्कोल्स ने शोल्स ने या स्कोल्स ने जो भी आप बोले इसे सोल्स ने हमें दिया है राइट right? तो ये कल्चरल वेब है ठीक है तो यहां पे ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है थीके? दैट इंपैक्ट दर्गेनाइजेशन पैराडाइम तो यह जो छह पॉइंट है ना स्टोरी सिंबल रिचुअल्स पावर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कंट्रोल यहां पर जो बीच में है ना यहां पर कल्चर लिखा है यहां पर आप लिख सकते हैं पैराडाइम पैराडाइम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट जो है ऑनिशल पैराडाइम को ये इम्पैक्ट करती हैं छः पॉइंट जो हैं ये इसे इम्पैक्ट करते हैं कौन कौन से छः पॉइंट हैं सबसे पहला स्टोरीज दूसरा सिम्बल्स तीसरा पावर स्ट्रक्चर चौथा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फिर कंट्रोल फिर रिचुअल्स एंड and... रूटीन्स किसी भी तरीके से आप इनको याद कर लें राइट दी सिक्स पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर ओके एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसो मॉडल हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एडगरशीन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यू नो आइसबर्ग एनोलॉजी वहां पे हमने फैक्टर्स देखे थे जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं नाउ दीज आर दी दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स बट दिस इज अ डायग्नोस्टिक टूल दिस इज अ डायग्नोस्टिक टूल सर एंड मैम दिस इज वॉट दिस इज अ डायग्नोस्टिक टूल सर एंड मैम राइट तो ये डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें जॉनसन एंड स्कोल्स ने शोल्स बोलो स्कोल्स बोलो ठीक है उन्होंने हमें दिया है राइट सो दिस वॉज ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू हैव एन ऑसम डे प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट राइट थैंक यू यू आर सो Awesome. Enjoy. Bye.